हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल नेट कॉमर्स क्लासेस तो आज हम स्टडी करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता क्या है सेक्शन 139 ए प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड द टैक्स फ्री लिमिट ही मस्ट अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इन प्रिस्क्राइब टाइम मतलब सेक्शन 139 ए हमें ये प्रोवाइड करता है कि वे सभी पर्सन जिनकी इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा है वो अप्लाई कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को परमानेंट अकाउंट नंबर की अलॉटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब टाइम में। पेन मीन्स ए टेन डिजिट अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर इशूड इन फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू दसेसी पेन एक लेमिनेटेड कार्ड होता है जो टेन डिजिट का होता है वो डिजिट अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर की होती हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एस एस सी को ये इश्यू करता है दिस नंबर इज़ मीन टू आइडेंटिफाई द रिटर्न टैक्स पेमेंट चलान एंड एनी अदर सम रिसीव्ड फ्रॉम एस एस सी एंड लिंक दिस टू देयर असेसमेंट रिकॉर्ड टू फैसिलिटेट क्विक डिस्पोजेबल ऑफ देयर रिफंड और असेसमेंट्स ये जो नंबर होता है ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी रिटर्न टैक्स पेमेंट चलान जो भी कोई सम एक एस एस सी ने पे किया है और इन सबको लिंक करता है उसके असेसमेंट रिकॉर्ड के साथ तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा है कि पेन क्या होता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केसेस इन विच पेन इज़ कंपल्सरी वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें पेन जो है वो कंपल्सरी होता है तो फर्स्ट है एनी पर्सन हुज़ टोटल इनकम एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा है उस केस में पेन कम्पल्सरी होता है एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन वेयर आर टर्न ओवर ग्रोस रिसिप्ट एक्सीड्स फाइव लैक इन एनी प्रीवियस ईयर कोई भी पर्सन जो बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करता है और जिसकी टर्न ओवर ग्रोस रिसिप्ट जो है वो पाँच लाख रुपए से ज़्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट है ही इज़ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर अगर वो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर हो ही इज़ एन आई सी अंडर सर्विस टैक्स एक्ट अगर वह सर्विस टैक्स एक्ट के अंडर एस एस सी है एस एस सी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है नेक्स्ट है ही इज़ एन अससी अंडर सेंट्रल एक्साइज रूल्स नाइनटीन फोर्टी फोर अगर वो अस एस सी है सेंट्रल एक्साइज रूल्स नाइनटीन फोर्टी फोर के अंडर ही इज़ एन अससी अंडर सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट और वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट और स्टेट और यूनियन टेरेटरी ठीक है अगर वो इन सब के अंदर आता है इन सब केसेस के अंदर आता है तो उसके लिए पेन जो है वो कंपलसरी है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सन नोट रिक्वायरिंग पेन ऐसे कौन से पर्सन है जिनके लिए पेन की जरूरत नहीं होती रूल 114 सी प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 थर्टी नाइन ए शोट अप्लाई टू फ्लोविंग क्लास ऑफ पर्सन रूल वन सी प्रोवाइड करता है कि जो 139 ए के प्रोविजंस हैं वो इन क्लास के पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होते फर्स्ट टाइम नॉन रेसिडेंट एस अगर कोई नॉन रेसिडेंट एस है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसको पेन की पर्सन हु हैव एग्रीकल्चर इनकम एंड हु आर नोट इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दैट ए डिक्लरेशन इन फॉर्म नंबर सिक्सटी वन इज़ फाइल्ड बाय सच पर्सन अगर किसी पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके लिए भी पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन्स वेयर कोटिंग ऑफ पेन इज़ कंपल्सरी वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जहाँ पे पेन कंपल्सरी होता है पेन की कोटिंग जो है वो कंपल्सरी होती है फर्स्ट है सेल और परचेज़ ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन टू व्हीलर जब हम सेल या फिर परचेज करते हैं मोटर व्हीकल की जो टू व्हीलर से ज़्यादा का हो नेक्स्ट है सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सीडिंग रुपीज़ वन लैख उन सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज करते हैं जो एक लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट की हैं नेक्स्ट है कैश पेमेंट ऑफ होटल बिल एक्सीटिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एट एनी वन टाइम कैश पेमेंट करते हैं किसी भी होटल बिल की जो पचास हज़ार रुपये से ज़्यादा का हो नेक्स्ट है ओल्ड टी डी एस सर्टिफिकेट्स जितने भी टी डी एस सर्टिफिकेट्स हों उन उनके लिए इसकी ज़रूरत होती है ओल ओल्ड टी सी एस सर्टिफिकेट्स सभी टी सर्टिफिकेट्स के लिए इनकी ज़रूरत होती है नेक्स्ट है ओल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जो भी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है पेन एप्लीकेशन फॉर इशू ए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टू एनी बैंक जब भी हम एप्लीकेशन देते हैं किसी भी बैंक को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करने के लिए तभी भी हमें पेन की ज़रूरत होती है बिना पेन के नहीं हो सकता और जब हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तभी भी हमें पेन की रिक्वायरमेंट होती है तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ लिया कि पेन क्या है वो क्यों जरूरी है और उसकी कहाँ कहाँ कोटिंग होती है अब हम ये देखेंगे कि पेनलिटी फॉर नॉन कम्प्लियंस कि अगर पेन नहीं जो है हम यूज़ करते तो अगर वो हम नहीं बनवाते तो उसकी पेनलिटी क्या होती है इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू कम्प्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 139 थर्टी नाइन ए और कोर्ट्स और इंटीमेट्स ए फॉल्स पेन ही शैल बी लाइबल टू पे बाई वे ऑफ पेनल्टी इज समुपीज़ टेन थाउजेंड अगर कोई पर्सन सेक्शन वन थर्टी नाइन ए के प्रोविजन्स को फॉलो नहीं करता या फिर फोल्स पेन शो करता है मतलब फोल्स परमानेंट अकाउंट नंबर को शो करता है ही शैल बी लाइबल टू पे बाई वे ऑफ पेनल्टी इज समीज़ टेन थाउजेंड तो उस पर दस हजार रुपये की पेनल्टी लगेगी ये फोटो है फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि पेन कैसा होता है थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में